शांति। आज 13 अगस्त 2021 के महावाक्य हैं। बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे मनमना भव की ड्रिल सदा करते रहो तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है, सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? बाबा ने कहा, सतगुरु की श्रीमत है, मीठे बच्चे इस देह को भी भूल कर मुझे याद करो, अपने को अकेली आत्मा समझो, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो, सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तकदीरवान बच्चे ही यह गुप्त मेहनत कर सकते हैं। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं अपने भाई और बहनों को ड्रिल सिखलाने। यह कौन सी ड्रिल है? इसमें बच्चों को कुछ कहना नहीं होता। वह जो जिस्मानी ड्रिल आदि करते हैं उसमें तो कहना पड़ता है। यह तो सुप्रीम टीचर है, जो गीता का भगवान भी है, जो बच्चों को बैठ योग की ड्रिल भी सिखलाते हैं। यह ड्रिल भी गुप्त है। ड्रिल सिखाई इसलिए जाती है कि स्टूडेंट हेल्दी हों। तुम बच्चे जानते हो कि इस मनमना भव की ड्रिल से 21 जन्मों के लिए बहुत रुष्ट पुष्ट रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। तो यह कितनी अच्छी रूहानी ड्रिल है। बाप समझाते हैं, मनमना भव इसमें कहने की भी दरकार नहीं, सिर्फ समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी भव। भव का अर्थ ही है कि तुम बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। कल्प पहले भी हम इस रूहानी ड्रिल से एवर हेल्दी बने थे। रूहानी ड्रिल, रूहानी बाप परम पिता परमात्मा शिव ही सिखलाते हैं। भगवान तो उनको ही कहा जाता है, जिनकी पूजा भी होती है, शिवाय नमः भी कहते हैं। ब्रह्मा देवता नमः, शिव परमात्माए नमः कहते हैं। यह ड्रिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखलाते हैं। ऐसे नहीं कि तुमको यह ड्रिल ब्रह्मा ने सिखलाई है, नहीं, भल ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो, परंतु चिट्ठी पर भी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, वह तो गुप्त हो गया। लेकिन मनुष्यों को कैसे पता पड़े? ब्रह्मा तो प्रजा पिता है, तो सारी दुनिया उनके बच्चे हैं, प्रजापिता है ना। ड्रिल सिखलाने वाला तो निराकार बाप है, वह गुप्त है। गुप्त होने के कारण मनुष्यों को समझने में भी डिफिकल्टी होती है। ब्रह्मा को तो भगवान नहीं कहा जाता, यहाँ नाम ही दिखाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, अर्थात ब्रह्मा की संतान। जब कोई आता है तो उनको समझाना है कि यह नई दुनिया रचने वाला ब्रह्मा नहीं है, लेकिन निराकार बाप है, जो ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पारलौकिक परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, गोया सुप्रीम सोल की रचना हुई। तुम पत्र के ऊपर लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो यह भी याद करने की युक्ति है। शिव बाबा सिखलाते हैं
ब्रह्मा द्वारा। बस सिर्फ कहते हैं मन मना भव, और कोई तकलीफ नहीं दी जाती, सिर्फ कहा जाता है कि तुम अपनी उन्नति चाहते हो और सचखंड का मालिक बनना चाहते हो, तो सचखंड स्थापन करने वाला तो एक ही सत्य बाप है, उसे याद करो। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो, तो पापों से मुक्त होंगे। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता सिवाय परम पिता परमात्मा के, और कोई नाम नहीं लेंगे, गॉड फादर ही कहेंगे। सब उनको फादर कहते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते। कहते हैं वह आते हैं लिबरेट करने के लिए, यह मनुष्य नहीं जानते तो कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है। अब बच्चों को ये ड्रिल करनी है, ज्ञान तो मिला हुआ है, जब बैठते हो तो अपने को देही समझकर बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। टीचर सामने बैठता है गद्दी पर तो शोभता है। कायदा है कि ड्रिल कराने के लिए टीचर ज़रूर चाहिए, कोई बड़ा टीचर तो कोई छोटा टीचर होता है। अब तुम्हारा इम्तिहान लेने की दरकार नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि हम कितना समय मोस्ट बिलवर्ड बाप को याद करते हैं। ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलवर्ड नहीं है, बिलवर्ड मोस्ट वह है जो सदा पावन है। तुम बच्चे जानते हो सबसे प्यारा कौन है, मनुष्य परमात्मा को ही याद करते हैं। हे दुखहर्ता सुखकर्ता, उसको लिबरेटर भी कहते हैं, अर्थात दुखों से मुक्त करने वाला। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है, ड्रामा प्लान अनुसार यह दुनिया पावन होनी जरूर है, और पावन दुनिया बनने के लिए आग लगनी है। ये भी जानते हो आग कैसे लगेगी, विनाश होने बिगड़ दुनिया पावन नहीं बन सकेगी। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र और शिव कोई फर्क नहीं है, परंतु मुख्य शिव नाम है, बाकी तो अपनी अपनी भाषा में अनेक नाम रख दिए हैं। असल नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं, भारत में ही शिव जयंती मशहूर है। बेहद के बाप की शिव जयंती है तो आते भी ज़रूर होंगे। शिव बाबा का नाम वाला है, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराने वाला है, तो उस ऊंचते ऊंच बाप को याद करना पड़े। ब्रह्मा ऊंचते ऊंच नहीं है, वास्तव में ब्रह्मा ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर नीचे भी उतरते हैं। तुम बीके भी नीचे थे, अब ऊंच बन रहे हो, एकदम ऊंच बाप के घर चले जाएंगे। इस समय तुम त्रिकालदर्शी बन रहे हो, तुम खुद जानते हो कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। ब्रह्मांड अर्थात ऊंच, जहां सभी आत्माएं निवास करती हैं। दुनिया में कोई और नहीं जो समझाए कि मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग है। आत्माएं रहती हैं निर्वाण धाम में, जिसको शांति धाम कहा जाता है। वह सबको प्यारा लगता है, उसका असली नाम निर्वाण धाम व शांति धाम है। आत्मा का स्वरूप है शांत। एक शांति धाम, फिर है मूवी धाम, और यह है टाकी धाम।
मूवी धाम में जास्ती रहने का नहीं है। शांति धाम में तो बहुतों को रहना होता है, और कोई स्थान नहीं है। आत्मा जब बाप को और घर को याद करती है तो ऊपर में याद करती है। बीच के धाम को तो तुम्हारे सिवाए और कोई नहीं जानते हैं। मनुष्यों को तो इतना ज्ञान है नहीं, सिर्फ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं, बाकी उन्हों के आक्यूपेशन का पता नहीं है। 84 जन्म लेते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह है लीप युग, यह थोड़े समय का है, जैसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यह तुम्हारा हीरे जैसा उत्तम बनने का ऊंच जन्म है, शूद्र से ब्राह्मण बनना यह सबसे उत्तम है। ब्राह्मण बनते हो तो दादे का वर्षा लेने के हकदार बनते हो। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदैव मन मना भव। बाप का मैसेज सबको देते रहो। बाप को कहा ही जाता है मैसेंजर, और कोई भी मैसेंजर अथवा पैगंबर नहीं है। वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, पैगंबर सिर्फ एक है। वही आकर तुमको पवित्र बनने का पैगाम देते हैं। वह आते हैं धर्म स्थापन करने। वह कोई वापस ले जाने वाले गाइड नहीं हैं। वह तो एक ही सतगुरु सदगति देने वाला है, सच बोलने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला, एक ही परमपिता परमात्मा शिव हैं। तो बहुत गुप्त मेहनत करनी है बच्चों को। अभी तुम जानते हो कि हमको यह देह भूलकर एक बाप को याद करना है। शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है, आत्मा अकेली बन जाती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, तो फिर कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं पड़ेंगे। हम आत्मा हैं, हम चले जाएंगे बाप के पास। बाप राय देते हैं कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। यह बाबा भी नामी ग्रामी है। इन द्वारा बाप सभी आत्माओं का गाइड बन मच्छरों सदृश वापिस ले जाते हैं। यह यथार्थ ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुमको पांडव सेना भी कहते हैं। पांडव पति स्वयं साक्षात परमपिता परमात्मा हैं, जो तुम बच्चों को ड्रिल सिखला रहे हैं हूबहू कल्प पहले मुआफिक। जब विनाश होगा तो सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। सत्युग में जब थोड़ी आत्माएं हैं तो एक राज्य है। अभी अनेक हैं, फिर ज़रूर एक होगा। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में सिमरन करना है। बच्चों को प्रदर्शनी पर भी समझाना है। जब न्यू दिल्ली थी तो नया भारत था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं था। हम ब्राह्मण सो देवता थे। यह और धर्म वाले मानेंगे नहीं। जो पहले आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। यह है बिल्कुल सहज समझने की बातें। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब नाटक पूरा होता है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, 84 जन्म पूरे किए। अब फिर घर चलना है, क्योंकि बहुत थक गए हो ना। भक्ति मार्ग है ही थकने का मार्ग। बाप कहते हैं अब मेरे को याद करो,
औरों को भी पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, अशरीरी बनो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि अब वापिस घर चलना है, मौत सामने खड़ा है। यहाँ भी बच्चे बाप के सन्मुख रिफ्रेश होने आते हैं। बाप सन्मुख बच्चों को कहते हैं कि बच्चे देह अभिमान छोड़ मामे कम याद करो, यह पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है, तुम एक बाप को याद कर पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। बाप कहते हैं कि अपनी कमाई जमा करते रहो और दूसरों को भी निमंत्रण दो, बाप का रास्ता भी बताओ, तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है, महामंत्र देते हैं, प्राचीन योग बाप ने ही आकर सिखाया है, जिसके लिए ही गाया जाता है, योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। कलप पहले भी यही इशारा मिला था, बाप इशारा देते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, रहो भल अपने गृहस्थ व्यवहार में, गाया हुआ है शरण पड़ी मैं तेरे द्वार, ये भी होता है। जब कोई दुखी होते हैं तो ऊंच ताकत वाले के जाए शरण लेते हैं, यहाँ तो प्रैक्टिकल में है, जब बहुत दुख देखते हैं सहन नहीं कर सकते हैं, लाचार होते हैं, तो फिर भाग कर आए बाप की शरण लेते हैं। सदगति तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके, बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया विनाश होनी है, तैयारी हो रही है, इस तरफ तुम्हारे स्थापना की तैयारी, उस तरफ विनाश की तैयारी है, स्थापना हो गई तो विनाश भी ज़रूर होना है। तुम जानते हो बाबा आया है स्थापना करने, इन द्वारा वर्षा भी जरूर मिलेगा, बाकी प्रेरणा से थोड़े ही काम चलता है, टीचर को कहेंगे क्या कि हम आपकी प्रेरणा से पढ़ लेंगे? प्रेरणा से अगर सब कुछ होता तो शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा से करने वाले की तो शिव जयंती मनाने की दरकार नहीं, जयंती तो सभी आत्माओं की होती है, आत्माएं सब जीव में आती हैं, आत्मा और शरीर जब मिलते हैं तो पाठ बजाते हैं, आत्मा का तो स्वधर्म है शांत, उसमें ही नॉलेज धारण होती है, आत्मा ही अच्छा बुरा संस्कार ले जाती है, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, वहाँ तो पवित्रता ही है, अपवित्रता का नाम निशान नहीं है, यह है विषय सागर। कितना क्लियर समझाया जाता है तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता, परंतु तुम किसको भी दोष नहीं देते हो, ड्रामा के बंधन में सब बांधे हुए हैं, तुम समझते हो सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतर आए हैं, ड्रामा अनुसार हमको उतरना ही है। फिर बाप कहते हैं अब चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वो ऐसे कहते हैं, जो ऐसे कहते हैं उनसे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं है। दो चार वर्ष चलते चलते भी गिर पड़ते हैं, महसूस भी करते हैं कि हमने बड़ी भूल की है, बड़ी चोट खाई, ये भी आधा कल्प की बीमारी है, कम नहीं है, आधा कल्प के रोगी हैं,
भोगी बनने से रोगी बन जाते हैं, तो बाप आकर पुरुषार्थ करवाते हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। इस समय तुम सच्चे सच्चे योगी हो, योगेश्वर तुमको योग सिखलाते हैं। तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर भी हो, फिर बनेंगे राज राजेश्वर। ज्ञान से तुम धनवान बनते हो, योग से निरोगी एवर हेल्दी बनते हो। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, तो इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा के लिए पहला पॉइंट है, पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सबको पैगाम देना है कि एक बाप को याद करो, देह सहित सब कुछ भूल जाओ। दूसरा पॉइंट, योगेश्वर बाप से योग सीखकर सच्चा सच्चा योगी बनना है। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। वरदान, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार, तीव्र पुरुषार्थी वह हैं जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखें। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव न बदले, हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएंगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। स्लोगन, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। अच्छा, ओम शांति।